लखनऊ मेहमान नवाजी की कहानी हमेशा अधूरी है अगर सामने पान ना आ जाए। अतिथि सत्कार में तो पान सुपारी का अपना अलग ही महत्व है। पान का धार्मिक, सामाजिक और पारिवारिक महत्व है। यही वजह है कि भारत के अतिरिक्त भारतीय कुल के अन्य देशों में भी पान का प्रचार है और इस तरह दुनिया की आबादी का लगभग 10वां हिस्सा आज पान खाता है। उत्तर भारत के शहरों में पान की दुकानें और उनका जलवा देखने के काबिल होता है। पान पर पहले चूना लगाकर उस पर फिर कत्था चढ़ाते हैं और उसके बाद उसमें सुपारी के टुकड़े रखकर जरूरत के मुताबिक और सामग्री डाली जाती है। जहां तक पान की भीतरी आराइश का सवाल है, उसकी तो कोई इंतहा नहीं है। तमाम मुश्की मसालों के अलावा उसमें तवानाई के नुस्खे भी इस्तेमाल करने का रिवाज रहा है। चांदी, सोने और मोतियों की भस्म डालकर गिलोरियों को लाजवाब बनाने की प्रथा रही है। हर आदमी पान का मजा नहीं जान सकता है। पान के अंदर एक गुण नहीं, पान के अंदर अनेकों गुण है। नंबर एक, आप किसी के आगे जाते हैं, आपका चेहरा आदमी देखता है तो उससे आपके प्रति एक नई जिज्ञासा जागती है, लगता है आदमी खुश है। पान जो है वो दूसरों के ऊपर एक अलग अपना इम्प्रेशन छोड़ता है। ठीक है, जो लोग पान नहीं खाते वो दूसरों को ये समझते कि पान शारीरिक नुकसान पहुंचाता है, लेकिन पान जो है वो शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचाता। पान जो है वो एक अपना एक अलग पान का महत्व है और इसका मजा वही आदमी जान सकता है जो पान खाता होगा। पान की दुकान तो मुझे लगभग 25-30 सालों से मैं कार्य कर रहा हूँ, पान लगा रहा हूँ और इसी दुकान से मैं अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। जी हाँ, पान तो आपके सामने जो देख रहे हैं आप, इसके अलावा भी हमारे पास 2-3 क्वालिटी और हैं जो मैं कस्टमर की डिमांड पे देता हूँ। पान अभी हमारे पास जैसा कि आप देख रहे हैं, सफ़ेद पान, इसको बनारसी कहते हैं, और ये हमारे पास ये जनरल जो हम चलाते हैं देसी पान, ये देसी पान है। और हमारे पास एक पान और भी है जैसे मोहबा, लोग मोहबा भी मांग के खाते हैं। यह मोहबा की खासियत ये है कि जैसा कि हमारे लखनऊ में कभी दिसौरी, देसी दिसौरी के नाम से जाना जाता था, वही मोहबा का पान है। उसी टेस्ट में यह मोहबा मिलेगा। ये इसमें कड़कपन होगा, पान में खस्तापन होगा, पान मुँह में डालते ही घुल जाता है। इस सिलसिले में नवाब वाजिद अली शाह के ऐशो इशरती बीड़ों और फिर उसके असर के बारे में भला कौन नहीं जानता। पान में लगाया जाने वाला कत्था अक्सर गुलाब जल में घोला जाता है या फिर केवड़े के फूलों की पंखड़ी पर सुखाया जाता है। इसी तरह चूना भी दूध में भिगोने की प्रथा रही है। खूबसूरत बीड़ों को बांधकर या तो उस पर लौंग टांग दी जाती है या फिर चांदी सोने के वरक लपेट देने का चलन रहा है। पान खाते करीब करीब 25 साल हो गए मुझको। फायदे और नुकसान की जहाँ तक बात है तो अपना पर्सनल व्यूज है, लेकिन हाँ फायदे भी काफ़ी हैं इसके। और सबसे बड़ी चीज़ है कि पान हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। पुराना समय में जाएं तो इवन दूसरे रामायण काल में भी किसी भी शुभ कार्य में पान दिया जाता था। मुँह की शोभा है, इसके अलावा तंबाकू अगर ना खाया जाए, टोबैको और सुपारी दो चीज़ें जरूर हार्मफुल हैं, अदरवाइज पान ठीक है। जो हल्का फुल्का अगर आर्टरीज या वेंस में आपके ब्लॉकेट है तो चूंकि पान से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, इसलिए मैं समझता हूँ कि इसमें ब्लॉकेट हटने का भी फ़ायदा है। अगर लाइट है, स्लाइट हल्का सा है, तो एक तरीके से बैलूनी का काम करता है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा तो ऑब्वियस है कि ब्लॉकेट कोई हल्का फुल्का होगा तो हट जाएगा। हम पान तो करीब 25 साल से खा रहे हैं। सबसे अच्छा पान दिसौरी है और ये एक कलकतिया जो बंगला पान आता है वो है,
वो गर्म होता करता हैगा और उसी वही चूना भी ज़्यादा उठाता है, और ये दिसौरी पान जो है ये मुँह में जाके घुल जाता है, बहुत खस्ता पान होता है। ये हमारे फादर खाते थे, ग्रैंड फादर खाते थे, वालदा हमारी मदर खाती थी, सब हम लोग पानी खाते हैं, मैं खानदानी ही पानदान है, सब पानी खाते थे, वही रिश्ते में हमको ही मिला है। पान का असली बीड़ा वही है जो पानी में छोड़ देने पर भी न खुले और मुंह में पहुंच कर ही खुले। पान लगाने की कला नवाबी दौर में अपने चरम सीमा तक पहुंच गई थी। लखनवी मेहमान नवाजी के लिए कहा जाता है, लखनऊ वाले अलग जान लिए जाते हैं, गुलाब फूलों में पहचान लिए जाते हैं, तीर भी पड़ता है तो दिल में छुपा लेते हैं, यहाँ सराखों पे मेहमान लिए जाते हैं।